भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में जो चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इसमें जो रूट ने अपने टेस्ट करियर की अगर बात करें तो 31वां टेस्ट शतक है, और न सिर्फ ये टेस्ट शतक आया है 31वां, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में हलचल मचा दी है। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो रूट ने तोड़े हैं और रिकॉर्ड कायम किए हैं, और इस वीडियो हम बताएंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में उनका 31वां शतक है, और इस 31वां शतक लगाते ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 रन पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले यानी कि तेजी से पारियों के हिसाब से 19,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने हैं। 444 पारियां खेल करके ये 19,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं, और 444 अंतर्राष्ट्रीय पारियां खेल करके ही रिकी पोंटिंग के नाम 19,000 रन पूरे हुए थे। तो संयुक्त रूप से रिकी पोंटिंग के साथ चौथे सबसे तेज दुनिया के बल्लेबाज बने हैं जिसने 19,000 रन बनाए हों। और इस रिकॉर्ड की अगर हम दोस्तों बात करें तो एबी डिविलियर्स और जैक कैरिस को पीछे छोड़ दिया है, और सबसे तेज गति से अंतर्राष्ट्रीय 19,000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के नाम है। वो भी विराट कोहली ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने सचिन ने 432 अंतर्राष्ट्रीय पारियां खेल करके 19,000 रन पूरे किए थे, लेकिन विराट कोहली ने 399 मैच खेल करके 19,000 रन पूरे किए थे। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और आज भी उनके नाम रिकॉर्ड बरकरार है। तो रूट ने बहुत सारे रिकॉर्ड जो बनाए हैं, और एक और रिकॉर्ड उनके नाम रहा कि किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज द्वारा आज तक किसी ने भी 19,000 रन नहीं बनाए थे, लेकिन जो रूट एकमात्र पहले अंग्रेज बल्लेबाज बने हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 रन पूरे किए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप बताते हैं कि वो कौन से बैट्समैन हैं जिनके नाम सबसे तेज गति से 19,000। इसमें अगर देखें तो सबसे तेज गति से 19,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के नाम है। जैसे मैंने बताया था कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया था। सचिन ने 432 पारियां खेल करके टेस्ट, वनडे और T20 के रन जोड़कर, उस वक्त T20 हालांकि नहीं होता था, सचिन तेंदुलकर के T20 उसमें ऐड नहीं थे, उसके पहले उन्होंने 19,000 रन पूरे कर लिए, लेकिन विराट कोहली के ऐड है इसमें। और अगर आप देखें तो 433 पारियां खेल करके ब्रायन लारा के नाम है, ये भी टेस्ट और वनडे मान करके चलिए आप, और 444 अंतर्राष्ट्रीय पारियां खेल करके रिकी पोंटिंग ने बनाया था, जिस रिकॉर्ड को इक्वल किया है जो रूट ने। और अगर आप बात करें जैक कैलिस की तो 458 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट पारियां थी, इनका भी T20 शामिल नहीं है, और 463 पारी खेल करके डिविलियर्स ने मुकाम हासिल किया था। तो जो रूट आए दिन लगातार जब भी उनके बल्ले से रन निकलते हैं तो एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हैं, वो चाहे विराट कोहली हों वो भी लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, और आप बाबर आजम को ले लें, चाहे स्टीवन स्मिथ हों, लगातार इनका बल्ला जब भी चलता है तो कोई ना कोई आए दिन रिकॉर्ड जरूर कायम होता है। दोस्तों निश्चित तौर पर आपको वीडियो पर जरूर पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब न किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखते रहता स्पोर्ट्स।